हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सेफ होंगे। तो हमने भी अभी ब्रेकफास्ट किया है, तो अब हम सोच रहे हैं कि बिंदेश्वरी मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी फेमस मंदिर है, तो वहाँ का आज हमारा प्लान बन रहा है जाने का। तो काफ़ी लोग जा रहे हैं हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कौन कौन जा रहे हैं। कौन कौन चल रहे हैं? दीपक चल रहे हो ना, ममता ये सारे चल रहे हैं, तनुजा चल रहे हो ना, दादी दादी दादी, और कौन कौन चल रहा है? ओहो, ये भी चल रहे हो। इनको गाइस आपने देखा होगा, अरे देखा होगा, मेरे को यूट्यूब में देखा होगा, काफी देखा होगा। अंजू का बर्थडे है। ओहो, ये है, ये तो फिर तो सेलिब्रेशन बनता है। ये बर्थडे बॉय है हमारे, बर्थडे बॉय है। मैंने कहा आज स्पेशल डे है, आज का लेके जाना जरूरी है। हमारे गाइस को कुछ कहना चाहेंगे आप बर्थडे में? गाइस आप इसको कमेंट में विश कीजिएगा इनको हैप्पी बर्थडे। तो गाइस फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी, और यहाँ से हमें करीब कितना टाइम लगेगा? हमें एक घंटा लगेगा, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा हमें जाने में लगेगा। तो काफ़ी थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता है। तो गाइस बाबा जी के दर्शन हो गए हैं। इस जगह को शांति वन के नाम से भी जाना जाता है, शांति वन। ये देखिए, तो गाइस हम ऊपर जाते हुए अभी घर की तरफ, काफ़ी अच्छा लगा बाबा जी के दर्शन हुए। और काफ़ी शांति है इस जगह में, और इसको शांतिवन भी कहा जाता है। सरकारी नौकरी लगी थी। ये देखिए बाबा जी के बारे में कुछ बता रही हूँ। अच्छा, इनकी सरकारी नौकरी लग गई थी, और ये सरकारी नौकरी छोड़ के भक्ति में लीन हो गए, और आज इनके दूर दूर से दर्शन करने आते हैं लोग। आज इनकी इतनी महिमा है, कहीं तो तरसते हैं कि दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन देखने के लिए, और हमको इनके दर्शन ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं। तो गाइस
अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश की उम्मीद लग तो रही है बट हवा काफ़ी चल रही है। तो कल वैसे हमारा देवनागरी का प्लान है तो अभी थोड़ी बुकिंग वगैरह करनी है गाड़ी की, तो फिर बताते हैं कल का देवनागरी का प्लान। तो फिलहाल तो अभी मौसम बहुत अच्छा है। हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो। तो ये हाँ मामी क्या काट रहे हो? मैं जा रही हूँ आप छोले की सब्जी बनाने। अरे वाह, उमा के फेवरेट है छोले और आलू। तो आप ले जा रहे हो टमाटर, 3 टमाटर ले जा रही हूँ। हाँ जी, और आलू भी काट रहे थे। और आलू दिखाओ, आलू दिखाओ, आलू ये रहे, ये डेढ़ भर के। हाँ। देखिए गाइस, क्योंकि परिवार ज्यादा है ना, परिवार ज्यादा है इसलिए आलू ज्यादा कट रहे हैं। तो अब वो लकड़ी जला रखे, मेरा तेल जल रहा है तो मैं जा रही हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक बारी कि कैसे बनती है सब्जी, चूल्हे की सब्जी। दिल्ली में तो हम वैसे ही गैस पे बनाते हैं, यहाँ देखिए ये देखिए, ये देखिए चूल्हे की सब्जी। ये लगा तड़का, ये तड़का लगा दिया, इसमें ज्यादा मसाले की भी ज्यादा नहीं पड़ती है नाव में। ये अच्छा, यहाँ पानी इतना स्वाद है तो ऐसी बिना भुने भाने ही बन जाती है। थोड़ा हल्दी डालो, मिट्टी डालो। अच्छा जल्दी भी बन जाती है। हाँ जल्दी बन जाती है। देखिए गाइस, और इसमें कोई सब्जी में कोई केमिकल वगैरह नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। टमाटर हो गया, सब चीज़ होगी, मतलब जो भी चीज़ यूज हो रही है वो सब ऑर्गेनिक है। कोई गरम मसाला नहीं है, कोई गरम धनिया जीरा और मिर्च और हल्दी पीस के तो आज छोले और छोले बन रहे हैं। हाँ और मामी जी और बताइए कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या बताऊं फिर, और ये जब आग जलती नहीं है। हाँ तो इससे ये देखिए गाइस, ये देखिए ये गैस तेज करने का तरीका है। हाँ जब लकड़ी जलेंगी नहीं तो इसको फूको। हाँ ये देखिए, वाह ये गैस से भी इतनी तेज नहीं हो पाती आग जितनी। हाँ, इससे जल्दी भी बन जाता है खाना। अरे रख दिए मसाले, छोले तो और सब्जी, फिर पानी डालोगे फिर सब्जी रेडी। हाँ, फिर 4-5 सीटी लग के फिर बन जाएगी सब। तो गाइस देखिए कितनी आसानी से सब्जी बन जाती है। हाँ, और दिल्ली में तो पहले यहाँ क्या कहते हैं 6:30 तक सब्जी बन गई। हाँ, और दिल्ली में तो 8 बजे तक सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। और यहाँ देखिए शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट है बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए अब जली आग। हाँ, ये लकड़ियाँ रखी हुई है, ये देखिए ये हमारी, आप कह सकते हैं कि ये जैसे दिल्ली में सिलेंडर होते हैं। हाँ, ये तो ये सिलेंडर का काम करता है। हाँ, लकड़ियाँ लकड़ियों में अच्छा खाना बनता है। हाँ बिल्कुल, ये है इधर हमारे बर्तन है, केतली है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए केतली में चाय बनती है। अभी इसमें चाय बनाएंगे, पहले सब्जी बना लेते हैं। तो गाइस अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि मामी जी हमारी गुस्सा हो गई हैं। अभी तो हम जानते हैं इनसे क्या क्यों गुस्सा हो गए आप। अरे मेरे को 1 महीना हो गया गाँव आई थी मैं, जो कल आए थे उनको अन्ना जो आज सुबह आए उनको भुट्टे खिला दिए। हाँ मैं पानी लेने गए, मेरे को नींद भी खिलाया। गाइस देखो मेहनत भी कर रहे हैं और फिर भी भुट्टे कोई और खा रहा है। हाँ ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है ना। हाँ देखना चाहिए सब। और आज तो देना चाहिए था, आपका बेटे भी आ गए आज तो। और फिर भी दिया आज, वो छोटी बहू है ना उसको दे दिया। अच्छा मेरे को कब मिलेगा? तो ये तो अच्छी बात है ना, आपने सैक्रिफाइस कर लिया अपना वाला उनको दे दिया है। तो अब नाराजगी अभी भी है या नहीं? बहुत है। तो कैसे उसके बदले इनको अनार दे दिया ना। तो अनार भी गिर गया। अरे अनार भी गिर गया वो तो। अनार भी मेरा सारा इंटरव्यू में वो है। ये देखो, ये देखिए गाइस, ये देखिए सड़ा हुआ ना अनार भी सड़ा हुआ दिया इनको। किस जन्म का बदला उतार रहे हो? अनार भी सड़ा ही दिया मेरे को, भुट्टे भी नहीं दिया। जब मैं पानी लेने गई तभी शुरू करा खाना।
गाइस मामी हमारी काफी फनी है लेकिन अभी ये गुस्से में है, आप ये मत समझो कि गुस्सा कम नहीं हुआ इनका। इसको गुस्सा नहीं बोलते हैं, इसको सात दिन से हमने बोल दिया इसको गुस्सा है, वो बोल नहीं रहा है। हाँ हमको गुस्सा नहीं है, हम ये तुमको बता अपना आइडिया दे रहे हैं। अच्छा, कि हम गुस्सा हो सकते हैं। गाइस हम खिलाएंगे मामी को भुट्टे, जरूर खिलाएंगे, है ना मामी जी, आप नाराज मत हो। हाँ नहीं नहीं बाबू, आपसे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, आप हमारे भांजे हो। नहीं मुझसे नहीं, मुझसे नहीं औरों से। हाँ तो नहीं लेंगे उनसे, तो थोड़ा बहुत नाराजी होगी। अच्छा चलो, तो गाइस आज हमने बाहर ही हम आंगन में खाना खा रहे हैं, बिकॉज क्या कहते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने सोचा कि आज बाहर ही खाया जाए खाना। बट एक दिक्कत ये है कि मामी जी अभी भी नाराज है, और देखिए कैसे ये क्या कहते हैं बाहर आके, और दिन ये अंदर सबके साथ खाती थी खाना, लेकिन गुस्से है तो आज बाहर ही खाना पड़ रहा है इनको। मामी जी कुछ बोलिए। अच्छा यानी कि गाइस मामी जी गुस्सा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मामी जी बस ये कहना चाहती है कि मामी जी को घी वाली रोटी मिल गई, कि कोई ले ना ले मामी जी की रोटी। कई लोग हैं ना मामी जी, कोई नहीं लेगा, आप आराम से खाइए, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। ओके ठीक है।